हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेनेट इंडिया की इस वीडियो सीरीज में। और फ्रेंड्स, जो मेरा आज का वीडियो है वो आपका इवोल्यूशन, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड है, उसी का एक पार्ट देखेंगे आज हम। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ रहे हैं। सो एग्जाम के अकॉर्डिंग और एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको स्टडी जरूर करना है। ये वीडियो मैं हिंदी लैंग्वेज में लाई हूँ बिकॉज आपकी ये जो टॉपिक है या सभी जो आपके सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश एंड एंड आपके SST और साइको, तीनों चारों टॉप सब सिलेबस में ये लगा हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स में है। इस वजह से आपके ये सभी में बेनिफिशियल रहेगा। सभी जो आपके साइको के 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके 60 क्वेश्चन आएंगे SST के, और आपके लैंग्वेज से आएंगे 30 30 क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है फ्रेंड? किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी जिसका ज्ञान कौशल, उसका इंटरेस्ट है, किसी भी चीज का अधिगम क्षमता है, उसका उसकी जो उपलब्धि होती है उसका जो परीक्षण किया जाता है वो कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के विभिन्न नाम आ जाते हैं एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो इवोल्यूशन का ही पार्ट है। आइए इसके बारे में देखते हैं, इसके कुछ डेफिनेशंस और इसके कुछ प्रकार के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे डिटेल से। देखिए, जो उन्हें उपलब्धि होती है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल अधिक्षमता को उपलब्धि कहा जाता है, तथा इसके मापन और मूल्यांकन हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षणों को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपलब्धि क्या है? व्यक्ति के द्वारा जो अर्जित की हुई ज्ञान कौशल अधिक्षमता है वो तो उसकी उपलब्धि है, और उसका जो मापन और मूल्यांकन किया जाता है उस साधनों को, उस परीक्षणों को क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, अब अचीवमेंट टेस्ट और एक नॉर्मल परीक्षण में क्या डिफरेंस है? एक नॉर्मल टेस्ट और एक अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जो परीक्षण है फ्रेंड्स वो एक सामान्य अवधारणा है, जबकि उपलब्धि परीक्षण एक विशेष प्रकार की अवधारणा है। इसमें कार्य के बाद फीडबैक यानी कि प्रश्न पोषण दिया जाता है। देखिए, एक स्टूडेंट है या सभी क्लासरूम के स्टूडेंट है, स्टूडेंट का को टीचिंग कराई गई, उसके बाद उनका परीक्षण किया गया, अचीवमेंट टेस्ट किया गया। अचीवमेंट टेस्ट के बाद जो रिजल्ट निकला उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को बताया गया कि आपका, उसको फीडबैक दिया गया, उसको जो भी बताएगा कि आपका, आपके इतने मार्क्स आए हैं, आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका वीक है, और आपके प्लस पॉइंट्स ये हैं, आपके वीक पॉइंट्स ये हैं। तो स्टूडेंट्स को उसके जो प्लस माइनस पॉइंट है वो बताना, उसकी उपलब्धियों के बारे में उसको जानकारी देना, उसको फीडबैक देना यानी कि फर्स्ट पोर्शन देना, ये किया जाता है उपलब्धि परीक्षण में। जबकि एक सामान्य टेस्ट होता है उसमें इतना नहीं बताया जाता है, उसमें से परीक्षण लिया जाता है, उसके परिणाम बताए जाते हैं। लेकिन परिणाम को सुधारने के लिए या उसमें कुछ अचीवमेंट करने के लिए उसके लिए उसको फीडबैक जरूरी है। तो किसमें दिया जाता है? वो किया जाता है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत। आई होप कि फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ओके नेक्स्ट, देखिए, परीक्षण को किसी कार्य के दौरान या उसके उपरांत इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि निष्पत्ति कार्य के पश्चात होती है। देखिए, जो टेस्ट आपको, मान लीजिए आपको जो टीचर है क्लासरूम में पढ़ा रहा है, उसके बीच बीच में भी वो आपको उसका टेस्ट ले लेता है, जबकि जो निष्पत्ति है वो कार्य के पश्चात होती है, उसके बाद उसे फीडबैक दिया जाता है। ओके, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस दी है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो देखते हैं। एग्जाम के में ये क्वेश्चंस भी जरूर आता है। लास्ट ईयर भी रीट एग्जाम 2015 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे आपके। सो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन फ्रीमैन ने दी है। फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण परीक्षण का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान समझ व कौशल का मापन किया जाता है। देखिए, फ्रीमैन ने क्या कहा है कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसमें ज्ञान समझ और कौशल को मापा जाता है। तो फ्री और मैन है, उसने तीन चीज बताई है, उसका उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रविल के द्वारा। रविल कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण एक वह अभिकल्प है जिसमें विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान कौशल और अधिक्षमता। देखिए, फ्रीमैन और रविल के जो डेफिनेशन है उसमें एक ही शब्द का अंतर है,
देखिए, जो उसने यहाँ प्रीमैन ने उसने समझ के बताया है, और जबकि जो रवेल ने इसने अधिक्षमता को बताया है, तो दोनों ही में एक पॉइंट है, इसमें विद्यार्थी बताया है और इसमें व्यक्ति है, तो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सेम लग रहा है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए आप ये पूरा वीडियो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, और ये टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है गैरिसन और अन्य के द्वारा, कि व्यक्ति की वर्तमान योग्यताओं या उपलब्धियों का मूल्यांकन करना ही उसका उपलब्धि परीक्षण है। तो व्यक्ति की उपलब्धियां, उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन करना क्या है? उपलब्धि परीक्षण। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये बनता है कि उपलब्धि परीक्षण निम्न में से किसका हिस्सा है? तो आपको ध्यान रखना है, जो उपलब्धि परीक्षण है ये मूल्यांकन का हिस्सा है, और उपलब्धि परीक्षण और एक सामान्य परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण के बाद उसको फीडबैक दिया जाता है, जबकि सामान्य परीक्षण में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, और उपलब्धि परीक्षण की हमने कुछ डेफिनेशन देखी है, अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए, उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण और प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण। अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है? अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान ही निर्मित किया जाता है, जिन परीक्षणों में त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। देखिए, टीचर के द्वारा ही क्लासरूम में टेस्ट ले लिया जाता है, या पाक्षिक वर्क लिया जाता है, फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट जो लिया जाता है, वो जो टेस्ट होता है वो कहलाता है अप्रमापीकृत। देखिए, जो अप्रमापीकृत टेस्ट है जो टीचर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसमें त्रुटियों की संभावना होगी, क्योंकि कई बार एक पार्शल नेचर भी टीचर का देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है, त्रुटियों की संभावनाएं अधिक होती है, और ये शिक्षक के द्वारा ही शिक्षण के दौरान निर्मित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण। अब देखते हैं प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण। फ्रेंड, जो प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण है, इसके चार चरण होते हैं, ये पहले से ही पूर्व नियोजित होते हैं कि अब उपलब्धि लेनी है। पहला चरण है योजना का निर्माण करना, इसमें सबसे पहले योजनाएं निर्माण की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद परीक्षण लिया जाता है। द्वितीय चरण है प्रश्न का निर्माण करना, फिर योजना बनाने के बाद प्रश्न प्रवरण किए जाते हैं जिनका परीक्षण करना होता है। प्रश्नों का चयन किया जाता है कि प्रश्न किस प्रकार के लेने हैं, उसका चयन किया जाता है, और अंत में मूल्यांकन और मापन होता है। तो यह है प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण, ये पूर्व नियोजित होते हैं, इसमें त्रुटियों की संभावना कम होती है, और इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो भी विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। तो ये था उपलब्धि परीक्षण का आपका जो टॉपिक, आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वही टॉपिक आप लोगों को स्किप कर दूंगी, तो आप लोगों का जो एग्जाम का लेवल है उसमें जो एक्सेप्ट है, आपको जो मार्क्स अच्छे मिलेंगे वो इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। स्टूडेंट इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, बट जो क्वेश्चन है आपके मूल्यांकन, आप इतना लंबा टॉपिक है, आप इसका सब कुछ पढ़ लेंगे, मूल्यांकन की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, मूल्यांकन मापन में अंतर पढ़ लेंगे, मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ लेंगे, मूल्यांकन के सोपान पढ़ लेंगे, मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और आपका क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद भी गलत हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, और आपको सभी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। इवैल्यूएशंस मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ा रही हूँ, और एनसीईआरटी की बुक से भी आप लोगों को मैं स्टडी करवा रही हूँ एनसीईआरटी के टॉपिक्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज प्लेनेट इंडिया।